Hello beautiful people, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today we are going to start with the fourth method of the issue of shares, that is private placement. ठीक है, हमने ऑलरेडी पहले तीन मेथड्स डिस्कस किए हुए हैं स्टूडेंट्स, सो दिस इज द फोर्थ मेथड. सो बिफोर गोइंग टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट, स्टूडेंट्स न्यू टू माय चैनल, काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. शेयर लेट्स अदर्स आल्सो गेट बेनिफिट्स फ्रॉम सच वीडियोस. सो ऑन दैट गुड नोट चिल्ड्रन, लेट्स बिगिन. स्टूडेंट्स, प्राइवेट प्लेसमेंट, when a company offers its securities to a selected group of persons not exceeding 200, it is called as private placements. बहुत ही क्लियर है, जब कंपनी अपने सिक्योरिटीज ऑफर करती है खुद के सिलेक्ट किए हुए ग्रुप ऑफ पर्सन को who आर नॉट एक्सीडिंग 200, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं. ओके, और ये सिक्योरिटीज कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा. इसको अदर वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं, कंपनीज ऑफर इट सिक्योरिटीज ओनली टू आइडेंटिफाइड पर्सन एंड नॉट टू द जनरल पब्लिक. तो उनका मुद्दा बहुत ही क्लियर है, वो ये जो कंपनी की सिक्योरिटीज है वो पहचान के लोगों में ही दे देते हैं, जो वो खुद सिलेक्ट करते हैं, उनका एक ग्रुप बनाते हैं, वो जनरल पब्लिक के लिए बिल्कुल भी नहीं देते हैं. ठीक है, नाउ हु इज दैट अथॉरिटी हु सिलेक्ट्स और आइडेंटिफाइज द पर्सन टू बी इन द ग्रुप? यस, इट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. वो ही आइडेंटिफाई करते हैं, वही सिलेक्ट करते हैं उस ग्रुप को. वो ग्रुप हो सकता है म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट, कंपनी हैज टू इश्यू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन. तो जब ये कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही होती है, इशू कर रही होती है, तो एप्लीकेशन के साथ साथ ऑफर लेटर भी देना जरूरी है. ठीक है, द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज द कंपनी ऑफर्ड कैन बी फुल्ली और पार्टली पेड अप एंड द कंसिडरेशन शुड बी पेड बाई चेक, डिमांड ड्राफ्ट बट नॉट बाय कैश. डेफिनेटली चिल्ड्रन, ये जो शेयर्स ऑफर होते हैं ये फुल्ली और पार्टली पेड अप होते हैं, और जो कंसिडरेशन उनको पे करना है वो चेक या डीडी, दैट इज डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते हैं, लेकिन वो कैश में पे नहीं कर सकते. ठीक है, फिर आता है राइट टू रिनंसिएशन इज नॉट गिवन टू द एप्लीकेंट्स अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट. डेफिनेटली जिनको ये प्लेसमेंट किया जा रहा है उन एप्लीकेंट वो किसी और को ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं कर सकते. ठीक है, या किसी को दे नहीं सकते. और जब ये सब कुछ हो रहा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, द कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स, और एक नेसेसरी स्पेशल रेजोल्यूशन उनको पास करना ही पड़ता है. सो दिस इज मैंडेटरी. ठीक है, अ कंपनी कैन मेक प्राइवेट प्लेसमेंट इन टू वेज. चलो देख लेते हैं वो टू वेज क्या है. यस स्टूडेंट्स, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, वन इज राइट्स इश्यू, सेकेंड इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. राइट्स इश्यू तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना स्टूडेंट्स, इन द वन ऑफ द मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, दैट इज ऑफरिंग शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो पेज नंबर 44 में है, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, उनके प्रोविजन भी डिस्कस किए हैं, है ना. तो यहाँ पे राइट्स इशू आर गिवन टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स एज पर देयर एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शनेट शेयर होल्डिंग यू कैन से, एंड देन दे गेट द बेनिफिट्स. सो ऑल द प्रोविजन्स आर ऑल्सो डिस्कस्ड, एंड फॉर राइट्स इशू इन डिटेल अबाउट प्रोविजन्स एंड ऑल, स्टूडेंट्स काइंडली यू कैन गो टू द प्ले लिस्ट ऑफ SPN. वहाँ पे मैंने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स का मेथड ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, सो सेकेंड इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. When a company issues specified securities, okay, when the company issues specified securities, that is equity shares or securities that can be converted into equity shares in future to a select group of person on preferential basis, it is called as preferential allotment. पहले तो ये जानते हैं, कंपनी जब अपने स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, स्पेसिफाइड मतलब वो इक्विटी शेयर्स हो सकता है, और वो सिक्योरिटीज है जो आगे चलकर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं फ्यूचर में, वो सिक्योरिटीज वो अपने सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को देती है प्रेफरेंशियल बेसिस पर, इसीलिए इसको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कहा जाता है. ठीक है, नाउ यूजुअली द कंपनी ऑफर्स प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू प्रोमोटर्स. डेफिनेटली ना, ये जो प्रेफरेंशियल बेसिस पर हो रहा है तो कंपनी अपने लोगों में, अपने जो जिसको वो प्रेफरेंस देती है, जैसे कि प्रोमोटर्स हो गए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो गए,
एम्प्लॉयज हो गए, वेंचर कैपिटलिस्ट फॉर दैट मैटर हो गए, दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट पीपल जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं. वेंचर कैपिटलिस्ट आप देख सकते हो, दीज आर द इंस्टीट्यूशंस हु प्रोवाइड कैपिटल टू द कंपनी कंपनीज विच हैज हाई ग्रोथ पोटेंशियल इन फ्यूचर. तो डेफिनेटली वो उनके कंपनी के इक्विटी शेयर बाय करते हैं, उनको पता है आगे चलकर एक कंपनी बहुत अच्छा करने वाली है. ठीक है, तो इन सब लोगों को कंपनी अपनी जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है वो ऑफर करती है. ठीक है, द शेयर्स ऑफर्ड आर फुल्ली पेड अप एंड द एप्लीकेंट्स हैव टू पे द कंसिडरेशन इन कैश. तो डेफिनेटली चिल्ड्रन, प्राइवेट प्लेसमेंट में हमने देखा था वो फुल्ली और पार्टली दोनों थे और एप्लीकेंट को चेक और डीडी से पे करना था, लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को द शेयर्स ऑफर्ड आर फुल्ली पेड अप शेयर्स और एप्लीकेंट को कंसिडरेशन कैश में ही देना होता है. ठीक है, शेयर्स इशूड अंडर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हैव नो वोटिंग राइट्स. डेफिनेटली जब हम किसी को प्रेफरेंस देते हैं, इन दिस केस इट इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, तो उनको वोटिंग राइट्स बिल्कुल भी नहीं होता है. अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन इज नीडेड टू मेक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. डेफिनेटली यहाँ पर शेयर होल्डर के साथ बातें होती है, उनका अप्रूवल लिया जाता है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, तभी ही प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है. कंपनीज यूजुअली गो फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एज इट इज नॉट ओनली लेस टाइम कंज्यूमिंग बट ऑल्सो इन्वॉल्व लेस पेपर वर्क एंड फॉर्मेलिटीज. डेफिनेटली है ना स्टूडेंट्स, सो वेन वेन यू कैन से दैट जहां पर पेपर वर्क कम हो, कम टाइम लग रहा है, फॉर्मेलिटीज भी कम है, तो डेफिनेटली कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की तरफ ही जाती है. ओके, सो दिस इज अबाउट द प्राइवेट प्लेसमेंट स्टूडेंट्स. नाउ दिस इज समथिंग लाइक यू नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू सो दैट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आएंगे तो यू विल बी इन द पोजिशन टू सॉल्व इट. ठीक है, सो आई जस्ट रीड आउट फॉर यू प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. One, securities are offered to select group of person not exceeding 200, already discussed. Preferential selected securities, that is equity shares or securities that can be converted into equity shares, is offered to a select group of person on preferential basis. Meaning diya gaya hai. Second point hai, the shares offered through private placement can be fully paid up or partly paid up. A preferential is fully paid up, children. Third is private placement. Offer letter is issued when shares are offered. Definitely, no such document is required in case of preferential allotment. So this is for your basic understanding. There is one more point here, children. Buyback of shares, jo main definitely aapko batana chahungi because you should have some knowledge about it. Maybe this may not be asked in the evaluation part of it, but buyback ka matlab kya hai? Buyback means when a company purchases its own shares or other specified securities at a price higher than the market price. Company khud ke shares hi kharid rahi hai. High price mein compared to the market price. Kisse kharid rahi hai? There are three categories. Existing shareholders on proportionate basis of their shareholding. Open market, existing employees who are issued ESOS or sweat equity shares. Okay. कब बायबैक करती है? ओनली वेन इट हैज सफिशियंट बैलेंस इन द फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ एनी अदर शेयर्स. तो जब इनको पूरा सफिशियंट बैलेंस होता है तभी ही वो बायबैक कर सकती है. ठीक है, अब रीजंस क्या है बायबैक के? डेफिनेटली वेन दे हैव टू रिटर्न सरप्लस अमाउंट टू द शेयर होल्डर्स. दूसरी चीज, सेफ गार्ड कंपनी अगेंस्ट अनवेलकम टेक ओवर और बिड्स. जब टेक ओवर होता है कंपनी का, यू नो जब बोली लगाई जाती है, कोई दूसरे उनके शेयर्स खरीद रहे होते हैं टू टेक ओवर द बिजनेस, इन दैट केस अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए दे बाय बैक देयर ओन शेयर्स एट अ प्राइस हायर देन द मार्केट प्राइस. ठीक है, सो दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन चिल्ड्रन. सो नाउ वील कम टू द मेन थिंग, दैट इज यस एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स में ये पूछा जा सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट, एंड इफ यू राइट अबाउट वट एवर वी हैव डिस्कस्ड. ओके, you can also write about the rights issue, you have to write about the allotment, and when we will be solving question answers I will definitely tell you how you are supposed to write the answer as well, but I would assure definitely assure that you will grab this marks if this topic comes in the examination. But the point is, when you go through the video children, kindly see that you do a lot of revision. Read the matter, then see the textbook and start revising, or along with me also you can start revising so that it will help you to remember for a longer period of time. Theek hai? So that's it children in this video.
आई थिंक दिस टॉपिक इज वेरी क्लियर टू यू. इफ सो काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. वेरी सून आई विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक. डेफिनेटली अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. और वैसे भी क्वेश्चन आंसर सेशंस चल रहे हैं, सो आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू नो ब्रिंगिंग सम मॉक टेस्ट ऑल्सो, सो इट विल हेल्प यू फॉर दिस वॉट एवर एग्जाम्स यू ऑल आर गोइंग थ्रू. सो दैट्स इट चिल्ड्रन. सो आई विल बी कंक्लूडिंग दिस वीडियो राइट नाउ. थैंक यू सो मच. थैंक यू.